तो अभी बज रहा है रात के 2:40 हो रहा है और सारांश को देखो अभी पानी पी रहे हैं। इनकी हो गई है तबीयत खराब और जुखाम जैसा हो गया है। क्या हुआ है भाई? पानी पी रहे हो, तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब हो गई है। कोचिंग पढ़ा के निकले हैं और देख रहे हैं कि बारिश हो गई है सुबह सुबह में ही। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज का सीन अभी है कि कोचिंग पढ़ा के आ रहे हैं और देखते हैं कि क्या करते हैं। आज तो एक जगह जाना भी है, आज पूरी का निमंत्रण भी है, तो चलो देखते हैं जो भी होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं कोचिंग पढ़ा के आए हैं तो चलते हैं सीधे घर पर। तो सारांश की हो गई तबीयत ख़राब, आफ्ताब आलम के आए थे नंबर लगाने के लिए, तो सारांश का नंबर लगा के चले हैं। उसका नंबर आएगा 2 करीब में। अभी आया है कोरियर, तो कोरियर लिए हैं, अमेजोन से मंगाए थे ये लोबर और जो है ये छोट हो रहा है। और ये डिटोल मंगाए तो सही है लेकिन ये जो लोबर छोटा हो रहा है, तब इसको रिटर्न कर देते हैं, दूसरा मंगा लेंगे। तो अभी जो है सारांश सोया है, इसकी तबीयत ख़राब है, इसको दिखाएंगे 2 लेके जाएंगे दिखाएंगे। अभी 1:37 हो रहा है और अब जो है सारांश को लेके चलना है दावा दिलाने के लिए। देख सकते हैं इसका मुंह कैसा बन गया है, बिल्कुल बात भी नहीं कर रहा है और हंस भी नहीं रहा है थोड़ा भी। हंसोगे नहीं हैं सारांश, हंसोगे नहीं? क्या हुआ है बताओ, हाथ से बता दो क्या हुआ है, हैं क्या हुआ है बोलो। मुंह से उल्टी हो रही है, हैं बताओ ना। चलो 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 दवाई दिला दे बाबू को, चलो। तबीयत खराब है लेकिन फिर भी बदमाशी इसका होता रहता है। तो ले लिया सारांश का दवा, तबीयत थोड़ा सा इनका डाउन है, यहीं से भी दिखा के लाए हैं और दवा 1-2 चलेगा। सारांश छोला भटूरा खाओगे? देखो वहाँ पे मुकेश फास्ट फूड लिखा है, खाओगे? थोड़ी सी बीमारी होती है, देखिए दवाइयाँ कितनी सारी, 1, 2, 3, 4, एक एंटीबायोटिक, एक उल्टी का, एक बुखार का, ये पता नहीं किस चीज़ का है। और कुरकुरे तो अब फिर भी कुरकुरे लेकर आए हैं, देखो इनको। सारांश पी रहा है दवाई घर में, तो अब हम जो है निकलते हैं थोड़ा सा। सारांश की मम्मी को लगवाना है सुई कोविड वाला, उसी के लिए जाते हैं, BRC पर जाना है, तो चलते हैं वहीं पर। अभी गाँव से आए हैं जसवंत और ओम प्रकाश दोनों लोग। ये दोनों लोग पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं और कहाँ से आ गए हैं यहाँ पे। कोरोना का अभी तो सुई लगवा के आ रहे हैं हम। तो जसवंत से हो गए भेंट मुलाकात और जो है इनका मानसिकता और बदल रहा है कुछ बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो इसलिए अंकल जी की दुकान पे आए हैं। तो अंकल जी की दुकान पे आए हैं, ये कुछ सीट और ये हैंड वॉश के लिए कुछ सोच रहे हैं, विचार बना रहे हैं बिजनेस के लिए, तो उसी पर आए थे मिलने के लिए। ठीक लगा? अंकल जी की दुकान को बहुत पहले हम बताए थे वीडियो में, बहुत अच्छा इनका मतलब लुक अच्छा, प्रेजेंट करने का तरीका बहुत बढ़िया लगता है इनका, सब सबसे बढ़िया। इनका देखिए बड़ी ध्यान से देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो जाना है मुझे निमंत्रण में नूरपुर मुझे जाना है, रत्सड़ के पास में है, तो वहाँ पे मुझे जाना है निमंत्रण में। जसवंत, ओम प्रकाश, विनय सभी लोग चलेंगे, सभी लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। तो अब निकल गए हैं हम घर से वहाँ पे जाने के लिए, तो चलिए चला जाए। तो अभी थोड़ी देर रुक गए हैं मंजीत भैया के दुकान पे और यहाँ पे ओम प्रकाश को जो है पिज्ज़ा खिला रहे हैं। ओम प्रकाश पिज्ज़ा कैसा लगा? ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? तो ओम प्रकाश को भी आज पिज्ज़ा यहाँ का बढ़िया लगा है। मंजीत भैया का पिज्ज़ा आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जसवंत भी पिज्ज़ा टेस्ट कर रहे हैं, हमें तो मन नहीं कर रहा खाने के लिए। अभी मंजीत भैया की दुकान पर से पिज्ज़ा सब खाना पीना हो गया है, अब खा पी के हम लोग निकल रहे हैं। 7 वाला है, लेट तो हो गया है लेकिन फिर भी जाना जरूरी है उसके यहाँ भाई। बहुत कुछ जो भी मान लीजिए तुम्हारे में अगर आता है तो जाना जरूरी होता है उनका, तो बस निकल गए हैं हम लोग, बस अभी 10 पहुँच जाएंगे वहाँ पर। तो जसवंत को पूरी सब्जी और ओम प्रकाश को पूरी सब्जी मिल गया है, अभी हम लोग को नहीं मिला है, हमको पीने को। पार्टी में हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, अब खाना पीना चालू हो गया, अब खा पी कर थोड़ी देर में निकलेंगे हम लोग यहाँ से। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, सभी लोग हमारे सभी मित्र यहाँ पे आए हैं, गुड़क भैया, जसवंत, ओम प्रकाश, विनय सभी लोग आए हैं और मोनू आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
लग गया और बीने को अब बाय करते हैं और यहाँ से हम लोग सीधे निकलते हैं बलिया। और सुल्तान और पंकज तो मेरे साथ जाएगा बलिया, तो गुड लक भैया, चला जाए। तो खाना पीना हो गया है, खाना पीना खा के और जो है बिने गुड लक भैया जसवंत सब लोग अपने घर चले गए हैं और हम भी जो है बलिया के लिए निकल गए हैं और अभी जो है हराहरा पहुँचे हैं वहाँ पे, तो बस थोड़ी देर में अभी घर पहुँच जाएंगे। रात के 10 बजे बलिया में आना अच्छा लगता है क्योंकि इस टाइम पर पूरा रोड जो है खाली रहता है और इस टाइम पर बलिया में निकलना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कैसी तबीयत है सरांश? इधर देखो, ठीक है? आए है, अब थोड़ी सी चेहरे पे हंसी आ रही है इनकी, देखो तो। तो बस यही था आज का ब्लॉग, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपको कल के ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।